हेलो फ्रेंड्स, मैं तुहिन एंड आप देख रहे हैं द टेक्निकल ट्यूटोरियल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पाइल का ब्रॉडबैंडिंग शेड्यूल के बारे में। तो पाइल का ब्रॉडबैंडिंग शेड्यूल के लिए क्या क्या चाहिए वो पहले देख लेता हूँ। और हाँ, अगर आप इस चैनल का एग्जिस्टिंग व्यूअर है तो धन्यवाद, अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपसे पहले पहुँच सके। तो देर किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लिया, वहां पर देखो, यहाँ पर हेडिंग में लिखा है आरसीसी कास्ट इन सीटू। कास्ट इन सीटू का मतलब है वहां पर ही, यानी कि साइड में ही कास्ट होता है, जो उसको ही कास्ट इन सीटू बोलता है। ठीक है, बोर्ड पाइल यानी कि बोरिंग करके जो पाइल क्या है वही बोर्ड पाइल। तो क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट द बारबेंडिंग शेड्यूल ऑफ आरसीसी कास्ट इन सीटू बोर्ड पाइल विथ द गिवेन फॉलोइंग डाटा। तो फॉलोइंग डाटा क्या क्या है, मेन बार 25 mm, 5 20 नंबर, अभी देखो स्पेशल रिंग और बार 16 mm, 5 एट द रेट 2000 mm सेंटर टू सेंटर, हेलिकल बार और हेलिकल बार और बाइंडर बार और रिंग सभी कह सकते हो, इज इक्वल टू 12 mm एट 12 mm, 5 एट द रेट 2000 mm सेंटर टू सेंटर, पाइल लेंथ 22 मीटर, एक्स्ट्रा लेंथ, ये एक्स्ट्रा लेंथ क्यों होता है मैं बाद में बोल दूंगा, 1.2 मीटर। तो एक्स्ट्रा लेंथ, तो एक्स्ट्रा लेंथ क्यों देता है, ऊपर जो हिस्सा होता है ना पाइल का, कटिंग लेंथ, कट ऑफ लेंथ, वही एक्स्ट्रा लेंथ होता है। ठीक है, अभी डाया ऑफ बार, सॉरी डाया ऑफ पाइल इज इक्वल टू 1 मीटर, कोवर जो है 75 mm का। तो देख लेते हैं एक बार हमारा जो पाइल कैसा होता है, टोटल अगर हिस्से देखें तो हमारा ऐसा होता है। ठीक है, तो ऊपर जो रहता है मिट्टी के ऊपर जो रहता है वो है पाइल कैप। तो पाइल कैप का भी बर बेंडिंग शेड्यूल मैं बाद में बता दूंगा। यहाँ पर जो है कट ऑफ लेवल जो मैं पहले बहुत बताया, ये जो है हिस्सा ये है कट ऑफ 1.2 मीटर। ठीक है, ये है एल डी यानी कि डेवलपमेंट लेंथ। ये जो टोटल जो है वो है 22 मीटर का, और इसको जो डाया था यह है 1 मीटर। एंड कोवर कितना है 75 का, और ये जो नीचे का हिस्सा है पाइल का एंकोरेज बॉटम 300 mm का। ठीक है, अभी देखो इसका अगर क्रॉस सेक्शन ले ले ए ए, तो अगर हमारा जो ड्राइंग है वो ऐसा लगेगा। तो इसमें ये जो है टोटल बाहर के हिस्सा ये है आउटर टू आउटर 1 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है 1 मीटर। ये जो रेड कलर का जो लाइन है वो है हमारा स्पेशल रिंग 16 mm का, और ये जो हरा वाला है, ये जो ग्रीन कलर का है वो है मेन बार 25 mm का, और ये जो ब्लैक कलर का है वो है हेलिकल रिंग और बाइंडर बार 12 mm का, और यहाँ पर जो है ये है क्लियर कोवर। ये हमारा ये इसका विशन यहाँ हुआ था, और ये हमारा जो बाइंडिंग जो रॉड्स है ये। ठीक है, तो इसका जो गैप है ये क्लियर कोवर है 25 mm का। तो चलिए एक बार देख लेते हैं 3D में कैसा लगता है। तो दोस्तों अगर आप 3D में देखें तो ऐसा होगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये जो है हमारा, अगर इसको टॉप में देखें, और एक बार कर लेते हूँ टॉप, अगर इसको देखें तो ये जो है हमारा ये है मेन बार्स। ठीक है, और ये अंदर का तरफ जो है यह रेड कलर का यह है स्पेशल रिंग और स्पेशल बार, और ये जो ब्लू कलर का है यह है हमारा जो हेलिकल रिंग था वो हेलिकल रिंग ये है। तो चलिए देखते हैं
इसका व्यू कैसा लगता है 3D में, इसके तरफ देखो। अगर हम जूम करके देखें तो ये रोइड जो है हमारा स्पेशल रिंग, ये अंदर की तरफ है, और ये जो हेलिकल रिंग्स है बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा, तो प्लीज़ उसको देखते रहिए। चलिए, थैंक यू।